नमस्कार आदाब, मैं हूं वसीम अकरम। इस वक्त हाजिर हूं आपके साथ देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों को लेकर। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने सरकार में आते ही प्रदेश में लगातार मिल रहे जमीन कब्जाने की जानकारी को लेकर सख्त कदम उठाते हुए एंटी भूमाफिया टास्क टीम का गठन किया था और प्रदेश के हर जिले में अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए, जिसके तहत जिला प्रशासन लगातार भूमाफियाओं के खिलाफ कार्रवाई कर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करा रहा है। लेकिन अलीगढ़ में एंटी भूमाफिया टास्क को अपना हथियार बनाते हुए बीजेपी विधायक ने एक कन्या महाविद्यालय की करोड़ों की जमीन पर कब्जा करना शुरू कर दिया है। वह भी ऐसी जमीन जिसके ऊपर बनने वाले इस कन्या महाविद्यालय का शिलान्यास मौजूदा गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने बीते वर्ष सन 2011 में प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री की हैसियत से किया था। दरअसल आपको बता दें कि अलीगढ़ के थाना कुआरसी इलाका स्थित ज्वालापुरी सुरेंद्र नगर में श्री महाउर पूर्व माध्यमिक विद्यालय है, जिसको माहौर वैश्य विद्या प्रचार ट्रस्ट चलाता है। ट्रस्ट और विद्यालय प्रबंधन ने प्रेस वार्ता बुलाकर बताया कि विद्यालय के सामने पड़ी खाली जमीन को छंगामल, नयन सुख व रंजीत तीनों पुत्र रोशनलाल, जिन्होंने अपनी भावनाओं के तहत उक्त संपत्ति 31/1/1966 को जलसे आम में इस जमीन को माहौर वैश्य ट्रस्ट प्रचार निवर्तमान मंत्री लक्ष्मी नारायण गुप्ता को कब्जा व दखल प्रदान करते हुए 5,236 वर्ग गज जमीन दान में दी गई, जहां पर एक कन्या महाविद्यालय का शिलान्यास मौजूदा गृह मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा सन 2011 में किया गया था। लेकिन इस भूमि पर मौजूदा विधायक अनिल पराशर की नजर गड़ गई है और उन्होंने नगर निगम से साठ गांठ कर कब्जा करना शुरू कर दिया है। इस कब्जे का कारण यह है कि विद्यालय की दूसरी साइट बीजेपी विधायक अनिल पराशर का गेस्ट हाउस है, जिसमें शादी समारोह और अन्य कार्यक्रम होते हैं। लेकिन इस गेस्ट हाउस के लिए पार्किंग की जमीन उसके पास नहीं है। कई बार विधायक द्वारा स्कूल में पार्किंग की व्यवस्था करने को कहा गया, लेकिन कमेटी द्वारा उनके इस प्रस्ताव को नहीं माना गया। तो वहीं सन 2017 में विधानसभा चुनाव के दौरान स्कूल के अंदर अनिल पराशर द्वारा कार्यालय बनाने हेतु एक कमरा मांगा गया, जिसके लिए उसको प्रबंधक द्वारा कमरा देने से इनकार कर दिया गया। इधर चुनाव के परिणाम के बाद अनिल पराशर बीजेपी से विधायक बन गए, तो साल भर के भीतर ही उन्होंने अपनी दबंगई दिखाते हुए विद्यालय प्रबंधक को धमकाना शुरू कर दिया और विद्यालय के सामने पड़ी खाली जमीन जिस पर भामाशाह कन्या महाविद्यालय बनाया जाना है, इससे पहले ये पूरा मामला कोर्ट में चल रहा है, जहाँ से कोर्ट द्वारा विद्यालय के समर्थन में आते हुए स्टे ऑर्डर पास कर दिया गया था। इतना ही नहीं, पहले कई अधिकारी जमीन पर विद्यालय का कब्जा अपनी रिपोर्ट में बता चुके हैं, जिस पर बीजेपी विधायक अनिल पराशर के संरक्षण में नगर निगम के साथ मिलकर नींव खुदाई शुरू कर दी गई है और बाउंड्री वॉल किया जा रहा है, जिसका ट्रस्ट के लोगों ने नारेबाजी कर विरोध भी किया। मौके पर नगर निगम के कर्मचारी और विधायक के गुर्गे खड़े होकर काम करा रहे हैं, जिसका विरोध किया जाता है तो मारपीट पर उतर आते हैं। इसकी शिकायत मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक लिखित में भेजी गई है। जरूरत पड़ने पर प्रधानमंत्री कार्यालय जाकर भी लोग मिलेंगे और अपनी शिकायत दर्ज कराएंगे। पार्षद रहा हूँ भाजपा से, इसके अलावा विद्यालय का सेक्रेटरी हूँ। विद्यालय में श्री माहौर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय ज्वालापुरी अलीगढ़ के नाम से ये प्रतिष्ठित है 1956 से। इस विद्यालय के सामने विद्यालय का क्रीड़ा स्थल है, जो हमारे पास 1956 से मौजूद है। इस विद्यालय पर कुछ भूमाफियाओं का निगाह शुरू से लगी हुई थी विद्यालय की जमीन पर, जिसमें पूर्व विधायक का उनको पूर्ण सहयोग प्राप्त है, पूर्व विधायक के सहयोगी उसमें इन्वॉल्वमेंट। पूर्व विधायक के खिलाफ हमने प्रधानमंत्री से लेके मुख्यमंत्री से लेके मुख्यमंत्री पोर्टल पर अधिकारियों से शिकायत की है, नेम से शिकायत की है, लेकिन पूर्व विधायक अपने प्रभाव का दुरुपयोग करते हुए इस जगह पर नगर निगम के सहयोग से, जिसमें नगर निगम के अधिकारी भी इन्वॉल्व हैं, पूरी तरह से कब्जा करना चाहते हैं और उसी कब्जे के तहत उन्होंने कई बार प्रयास किया और आज भी 3 तारीख को हमारे पास इसके ऑर्डर है कोर्ट का, सभी अधिकारी जिलाधिकारी का हमारे पास आदेश है कि जमीन विद्यालय की है उस हाईकोर्ट के अकॉर्डिंग। उसके बाद भी पूर्व विधायक के प्रेशर में
72 लाख रुपए का बंदरवाट सरकारी करने के लिए इसका टेंडर उठा दिया गया नगर निगम। विधायक क्यों कब्जा करवाना चाहते हैं? विधायक हमारे विद्यालय में कार पार्किंग चाहते हैं, सामने गेस्ट हाउस है उनका, उसमें कोई कार पार्किंग उनकी नहीं है, पार्किंग कराना चाहते थे, विद्यालय प्रबंधन ने मना किया उनका। उस मने करने के बाद उन्होंने विद्यालय में एक कार्यालय अपना विधायक बनने के बाद कार्यालय खोलने के लिए अनुरोध किया, उसका भी हमने मना किया, क्योंकि हमारे विद्यालय में तो पहले ही और कमरों की व्यवस्था चाहिए, हमने उनको मना कर दिया, इस वजह से वो थोड़े से हमसे रुष्ट है। अच्छा, इस जगह का उद्घाटन भी किया था, किसने किया था, किस लिए? इस जगह का उद्घाटन भामाशाह जयंती वाले दिन माननीय राजनाथ सिंह जी, जो वर्तमान में गृह मंत्री हैं, केंद्रीय गृह मंत्री, वहाँ आए थे, मुख्य चीफ गेस्ट थे हमारे भामाशाह जयंती के, और उन्होंने विद्यालय की भूमि का भामाशाह कन्या महाविद्यालय के नाम से शिलान्यास किया था। विधायक वही बीजेपी विधायक अनिल पाराशर ने विद्यालय कमेटी को भूमाफिया कहते हुए कार्रवाई को सही ठहराया और राजनाथ सिंह द्वारा किए गए शिलान्यास से अनभिज्ञता जताई। लेकिन ये बिल्कुल इंसान का सत्य और अनैतिक आरोप लगाना एक सरल सा बन गया लोगों का, जब उनकी मंशा पूरी नहीं होती अपने कुकृत्य को छिपाने के लिए इस तरह का ये बयान दे रहे हैं, नितांत गलत है और शर्मनाक बयान है। नहीं, आपके ऊपर ये आरोप लगाया जा रहा है कि नगर निगम की जमीन आपके दबाव में कब्जा है, क्या इस जमीन से आपको? नहीं नहीं, हमारा इससे कोई वास्ता नहीं है, नगर निगम जाने और विद्यालय प्रबंधन जाने। क्या वो हाईकोर्ट में मामला आया कि जिलाधिकारी नगर निगम को आदेश दिया, ऐसा आपको संज्ञान में है? नहीं नहीं, ये बात प्रशासन से पूछिए, प्रशासन अपना पक्ष रखेगा। विधायक जी, आपका ये एलिगेशन है कि आपने एक पत्र मुख्यमंत्री को लिखा था जिसमें मांग की थी कि ये जो भूमि है ये अवैध रूप से कब्जा रखी है स्कूल प्रशासन ने, देखिए इसको कब्जा अलीगढ़ महानगर में अनेकों पोखरों पर कुछ भूमाफिया दृष्टि थी, अनेकों पोखर को कब्जाने का प्रयास किया गया भूमाफियाओं का, और इसमें प्रशासन ने जिस तरह सजगता के साथ भाजपा सरकार आने के बाद में अनेकों प्रमुखों को भूमाफियाओं से कब्जा मुक्त कराया है, उसके लिए अलीगढ़ का प्रशासन धन्यवाद का पात्र है। और उसी के संदर्भ में अलीगढ़ की जितनी पोखर हैं स्मार्ट सिटी को लेकर नगर निगम ने जो प्लानिंग की है पोखरों को सुंदरीकरण की, वो उसका एक हिस्सा है। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगी तो खबर को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही स्क्रीन पर दिख रही घंटी को दबाएं ताकि आप तक हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन पहुंचते रहें।